अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जो अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप की कोशिश करने वाले देशों या विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का अभ्यास प्रबल होने के बीच ये कदम उठाया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस इस साल होने वाले मध्य अवधि चुनाव और 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। सूत्रों की माने तो ट्रंप इस संबंध में एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये आदेश विदेशी शत्रुओं के हस्तक्षेप को रोकने के जरूरी प्रावधानों में एक और कदम के तौर पर माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह का कदम ये स्पष्ट करता है कि चुनाव में हस्तक्षेप की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए सजा मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप देश के चुनाव को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए पहले भी कहते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका प्रशासन किसी भी दूसरे देश या अन्य दुर्भावपूर्ण कारक द्वारा अपने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आदेश CIA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी गृह सुरक्षा विभाग और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय को एक निर्धारण करने का काम सौंपेगा कि हस्तक्षेप हुआ है या नहीं। इस कदम से ये भी साफ हो गया है कि रूस पर अमेरिका खास तौर पर निगरानी रखना चाहता है क्योंकि रूस पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लग चुके हैं और इस मुद्दे को अमेरिका बहुत ही गंभीर नजरिए से देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत व्यापार समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उनके प्रशासन के कड़े रुख के बावजूद भारत व्यापार समझौतों को लेकर इच्छुक है। एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ट्रंप उस सब्सिडी को समाप्त करना चाहते हैं जो भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करती रही हैं। राष्ट्रपति की नजर में अमेरिका विकासशील देश है और वह चाहते हैं कि किसी भी अन्य देश की तुलना में वह तीव्र वृद्धि करें।